जम्मू कश्मीर के इस साल की अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त तक चलेगी। यह 15 दिनों की अवधि की होगी। यह बात श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड SASB के अधिकारियों ने कही, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में समुद्र तल से 3880 मीटर ऊपर स्थित गुफा मंदिर में यात्रा के मामलों का प्रबंधन करता है। यात्रा के लिए प्रथम पूजा शुक्रवार को आयोजित की गई थी। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस बार यात्रा की अवधि में कटौती की गई है। साधुओं को छोड़कर अन्य तीर्थयात्रियों में 55 वर्ष से कम उम्र के लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। यात्रा करने वाले सभी लोगों के पास कोविड नेगेटिव प्रमाण पत्र होना चाहिए। SASB के एक अधिकारी ने कहा, तीर्थयात्रियों को जम्मू कश्मीर में यात्रा शुरू करने की अनुमति देने से पहले उनको वायरस के लिए क्रॉस चेक किया जाएगा। साधुओं को छोड़कर सभी तीर्थयात्रियों को यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। यह भी तय किया गया है कि 15 दिनों के दौरान सुबह और शाम गुफा मंदिर में की जाने वाली आरती का देश भर के भक्तों के लिए सीधा प्रसारण किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय मजदूरों की अनुपलब्धता और बेस कैंप से गुफा मंदिर तक ट्रैक बनाए रखने में कठिनाइयों के कारण यात्रा 2020 के लिए गांदरबल जिले में बालटायर बेस कैंप से गुफा तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा। यात्रा 2020 केवल उत्तरी कश्मीर बालटायर मार्ग से होकर निकलेगी। अधिकारियों ने कहा, इस वर्ष किसी भी तीर्थयात्रियों को पहलगाम मार्ग के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा 2020 का समापन 30 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा पर होगा, जिस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार होता है।